Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आइए जी बात करते हैं हम पॉजिटिव सेल्स कम्युनिकेशन के हवाले से और हम सीखेंगे पॉजिटिव सेल्स कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें बेहतर सेल्समैन बनने में हमारी मदद करता है। सेल्स काम में एक बड़ी रुकावट कम्युनिकेशन की है और इस सिलसिले में सबसे बड़ी रुकावट ग्राहक और सेल्स पर्सन के दरमियान ख्यालात और ऑरा का फ़र्क है। और अगर सेल्स पर्सन दूसरों को कायल करने की सलाहियत रखता है वो ग्राहक अपनी सोच के मुताबिक ढाल सकता है। कायल करने का मतलब ये होता है कि आप दूसरों पर असरअंदाज होने वाले चीज़ों की काबिलियत रखते हैं या दूसरों के तसव्वुरात और यकीन को तब्दील कर सकते हैं। अपना काम ईमानदारी और मौसर तरीके से करने के लिए एक अच्छे सेल्स पर्सन को दर्जा ज़ेल चीज़ों के बारे में वाज़े तौर पर पता होना चाहिए। नंबर वन, इसकी इकदार यानी इसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इकदार का मतलब है वैल्यूज़। नंबर टू, ग्राहकों के साथ कमिटमेंट। नंबर थ्री, प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात। नंबर फोर, इदारे की पॉलिसियां और तरीक़ेकार। मालूमात और कमिटमेंट की कम्युनिकेशन में गलती का सबब बन सकती है हम अल्फाज, खामोशी और अमल के ज़रिए हर वक्त दूसरों से रابطे में रहते हैं। गैर ज़बानी कम्युनिकेशन, एक अच्छे प्रोफेशनल को ज़बानी और गैर ज़बानी दोनों किस्म की कम्युनिकेशन से आगाह होना होता है। डॉक्टर अल्बर्ट महराबियान ने एक स्टडी के और उसके नतीजे पर पहुँचे कि हमारी 55% कम्युनिकेशन गैर ज़बानी, 38% हमारे लबे लहजे से मुख्तलिफ और सिर्फ 7% कम्युनिकेशन ज़बानी होती है। इसमें हम सबसे ज़्यादा अहमियत किस किस्म की कम्युनिकेशन को देते हैं? जाहिर है ज़बानी कम्युनिकेशन को। एक सेल्स पर्सन को अल्फाज को सुनने के साथ साथ महसूसात और ख्यालात को भी सुनना चाहिए और मुशाहिदा करना चाहिए कि आया ज़बानी और गैर ज़बानी रابطे में कोई टकराव या फ़र्क तो नहीं। जब भी गैर ज़बानी रابطे में फ़र्क हो तो किसी पर यकीन करना चाहिए। इसका जवाब है गैर ज़बानी, क्योंकि गैर ज़बानी कम्युनिकेशन एक खुदकार अमल है जो लाशऊरी तौर पर जन्म लेता है। राबता करने वाला इसे आगाह नहीं होता कि क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर राबता करने वाला कह रहा है, मुझे इस हवाले से बहुत दिलचस्पी है, आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐने इस वक्त पर घड़ी और पंखे की जानिब देख रहा है और कुछ और कर रहा है। क्या वाकई आपकी बात में दिलचस्पी ले रहा है? क्या इसका गैर ज़बानी राबता इसकी दिलचस्पी और तवज्जो का अक्कासी कर रहा है? यकीनन नहीं। कुशादगी और कबूलियत को एक मुस्बत लैंग्वेज के ज़रिए ही वाज़े किया जा सकता है और आगे कम्युनिकेट किया जा सकता है। इस तरह मज़ाहमत का भी मुख्तलिफ बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। गैर ज़बानी कम्युनिकेशन चंद चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, जैसे बैठने का अंदाज़, इशारा कुनाई, हाथों की हरकत, आँखों से राबता, चेहरे के तासुरात वगैरह वगैरह। बॉडी लैंग्वेज के कुछ आम मिसालें यूं हैं। एक मुमकिना गाहक अगर हाथ या टांगें बांध कर बैठा है तो ये उसकी कुशादाना होने की अलामत होगा। नंबर टू, आगे झुके होने से उसकी दिलचस्पी का पता चलेगा। नंबर तीन, चेहरे के तासुरात से भी ख़रीदने के लिए आमादगी या अदम आमादगी का पता चलेगा। नंबर फोर, अगर मुमकिना गाहक गुफ्तगू करते हुए हाथों को मुतहरिक रखता है तो ये उसकी ज़हनी तौर पर हाजिर होने की अलामत होगा। हमारे ज़बानी और गैर ज़बानी राबते या बॉडी लैंग्वेज का दारोमदार लाशऊर से होता है जो हमारे सोचने के अमल की अक्कासी करता है। मज़ीद हम बात करते हैं अगले चैप्टर में कुछ मिसालों के साथ और कुछ
इनमें बताई गई कहानियों के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और आप मेरे YouTube चैनल पर जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आप बेशुमार फ्री लेक्चर्स और कोर्सेज मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।